पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स की लाइफ में बहुत सारी बातें घटी हैं, बहुत सारी बातें बनी हैं। कुछ आती हैं सामने और कुछ जरा छिपी सी रह जाती हैं। आइए नजर डालते हैं मनीषा कोइराला की जिंदगी में। फिर भी सच सच है सर, मुझे आपसे तनख्वाह नहीं सिर्फ एक मौका चाहिए काम करने का, मुझे आपसे सीखना है सर, प्लीज सर। दिखने में बहुत खूबसूरत, हर पोशाक में निहायत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इनका जन्म हुआ तब इनके नाना ने इनकी माताजी से पूछा कि लड़का हुआ कि लड़की। माँ ने कहा लड़की हुई। नाना जी का रिएक्शन बड़ा अजीब सा आया, माँ को बहुत दुख पहुंचा। कई महीनों तक तो उन्होंने अपने पिता से बात नहीं की और एक दिन अपनी नन्ही सी बच्ची यानी कि नन्ही सी मनीषा को गोदी में लेकर कहा कि एक दिन बेटा तुम बहुत नाम रोशन करोगी, तुम बहुत बड़ा नाम कमाओगी, तुम बहुत मशहूर होगी। और माँ की दुआएं काम आई। ये हम सब जानते हैं कि सुभाष घई साहब के साथ ये फिल्मों में आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके करियर की दरअसल शुरुआत हुई थी एक नेपाली फिल्म हेरी बेताउला से, और उसके बाद सन 1999 में नजर आई ये फिल्म सौदागर में। फिल्मों में सुपरस्टारडम हासिल करने के बाद भी मनीषा कोइराला ने पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी, मतलब फिल्मों की। ये पहुंच गई न्यूयॉर्क, वहां से इन्होंने एक फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा किया, फिर एक फिल्म बनाई पैसा वसूल जिसमें सुष्मिता सेन थी इनके साथ, और कैंसर से जीतकर ये वापस फिल्म इंडस्ट्री में आई। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।